भोले की शरण में एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार आजा आजा शिव की शरण में। एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार आजा आजा शिव की शरण में। चंद्रमोहन चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमोहन चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। बंधु आज का जो कार्यक्रम सम्मानीय आदरणीय हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी ठेकेदार साहब इनकी ओर से भोलेनाथ के दरबार में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम हाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी ठेकेदार साहब सबरी जी, और ये कार्यक्रम सुबह होते ही हमारा जिला नहीं मध्य प्रदेश नहीं पूरा भारत इस कार्यक्रम को देखेगा। हमारे YouTube चैनल वाले भैया यहाँ इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, धन्यवाद। चंद्रमोहन चंद्रशेखर बोले त्रिपुरारी है, ओ गले मुंड माल सोहे कर त्रिशूल धारी है, एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार आजा आजा शिव की शरण में। फकीर आवे भोले की शरण में, संत और फकीर आवे भोले की शरण में, संत और फकीर आवे भोले की शरण में, गरीब और अमीर आवे भोले की शरण में, गरीब और अमीर
एक बार आजा आजा शिव की शरण में। 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 पार्वती से बोलेंगे, पार्वती ये बताओ तुम रोजाना कहाँ जाती हो? पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मैं वृंदावन जाती हूँ कन्हैया का राज देखने। भोलेनाथ ने कहा कि आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, उस रास में पुरुष नहीं जाते हैं, सारी स्त्रियां जाती हैं 16 श्रृंगार बनाकर। अब तुम चलोगे मेरे साथ। अंग भभूति मृक्षाला गले में नांग हाथ में डमरू माथे पे चंदा जटन में गंगा तुम तो झई भले हो। बोले नहीं मैं चलूंगा। तो पार्वती ने कहा कि आपका नाम भोला है और मेरे साथ वृंदावन चलोगे तो आपको नाम बदलना पड़ेगा। बोले कौन सा नाम? बोले भोला नहीं, आपको भोली बनना पड़ेगा, भोली। बोले कैसे? अगर चलना है तो मैं कहूँ जैसा करते जाना। बोले पार्वती कहने लगी, एक लहरीदार चुनरिया अरे माथे पे डाल के अरे भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के। एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के भोला बन जाओ। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ तुम नारी तो बन जाओगे लेकिन एक बड़ी विटंबना है। बोले कौन सी? कानों में कुंडल पिछू माला कल सर्पों की माला। कल सर्पों की माला कहा छुपा के रखोगे जहरीला नाग ये काला। जहरीला नांग ये काला। बोले नाग एक काम करना, इन सबको रखना पिया झोली में डाल के। एक रंग को रखना पिया झोली में डाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। पार्वती बोली, भोलेनाथ सब तो छुपा है कहाँ छुपेगा गंगा जी का पानी। गंगा जी का पानी मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी। कैसे करो जनानी
और वृंदावन में वो कन्हैया है ना, बहुत चालाक है भोलेनाथ। अगर कहीं आपको पहचान लिया, पकड़े न जाओ कहीं मर्दान चाल में, भोला बन जाओ भोली घुमटान चाल आगे आगे पार्वती, पीछे भोलेनाथ नारी के वेश में पहुंच गए वृंदावन में। कन्हैया ने देखा, बोले यार रोजाना पार्वती अकेली आती थी, ये कौन है? श्याम सुंदर समझ गए सखी नहीं है तो कोई सखा है। गोपियों में से छुपते छुपाते कन्हैया गए पार्वती के पास और वहां जाकर के देखे भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया। देखें आप, पकड़ कलाई काना जी ने भोलेनाथ शर्माए, कछु कछु मुस्काए, और चलते हुए भजन पर भगवान भोलेनाथ के वृंदावन जाने के उपलक्ष्य में जो भजन चल रहा है उसी पर प्रसन्न होकर सम्मानी हमारे जो आज के कार्यक्रम के आयोजक साहब हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी सिवरे साहब, ये 500 रुपए का आशीर्वाद इसी भजन पर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। पकड़ कलाई काना जी ने भोलेनाथ मुस्काए, कछु कछु शर्मा, और कहने लगे कन्हैया के भोले बाबा, सब तो आए बिन घूंघट के, तुम घूंघट में क्यों आए, तुम घूंघट में क्यों आए, आए पाले पर हो तुम आज नंद लाल के, और भोला बन जाओ भोली तुम चांद काल के। इसी भजन पर 100 रुपए का आशीर्वाद हमारी बहन जी की ओर से ये भोलेनाथ के भजन पर मिला है। धन्यवाद। घूंघट पलट दिया नटखट ने भोलेनाथ शर्मा, तनक तनक मुस्का, उसी समय से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर महादेव हुआ है। उसी समय से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। गीते हैं हल्के का पर शब्द है कमाल के, गीते हैं हल्के का पर शब्द है कमाल के, भोला बन जाओ भोली तुम काल काल के। भोला बन जाओ भोली तुम काल काल के, भोला बन जाओ भोली तुम काल काल। बोले शंकर भगवान की, बोले गुरु महाराज की, मेरी सुनकर फरियाद, मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना,
नित ध्यान धरूं तेरा, नित ध्यान धरूं तेरा, मेरी बिगड़ी बना जाना। तुम बिन हो भोले में, तुम बिन भोले बाबा मेरा कौन सहारा है। याद को सुन करके भोले नाथ चले आना, जान धरूं तेरा, मेरी बिगड़ी बना जाना। We'll be right back.
शंकर भगवान की। विष्णु महेश, मैं तो ये जानता हूँ कि सबसे अच्छे भोलेनाथ भगवान है। ना कोई ज्यादा तपस्या करने, थोड़े से ओम नमः शिवाय रटो, सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो मांगना है वो मिलेगा। ज्यादा कुछ व्यवस्था ना हो सके तो इसमें कोई सामग्री की जरूरत नहीं है भोलेनाथ की भक्ति करने में। ज्यादा कुछ ना हो सके तो काली मिट्टी के बना लो भोलेनाथ और चढ़ा दो जल लोटा से। काली मिट्टी के बना लो भोलेनाथ, चढ़ा दो जल लोटा से। काली मिट्टी के, काली मिट्टी के बना लो भोलेनाथ, चढ़ा दो जल लोटा से। बात उस समय की है जब सीता जी गौरी पूजन के लिए जा रही थी और जैसे ही पहुंची गौरी मैया के मंदिर में, वो चढ़ा दो जल लोटा से। काली मिट्टी के बना लो भोलेनाथ, चढ़ा दो जल लोटा से। पहली सीढ़िया चढ़न लगी सीता जी ने बरमामा। पहली सीढ़िया चढ़न लगी सीता जी ने बरमामा। दे दो रे कौशल्या जैसी सास, दे दो रे कौशल्या जैसी सास, ससुर दशरथ जी से। ससुर दशरथ जी से। दूजी सीढ़िया चढ़न लगी सीता जी ने बरमामा। दूजी सीढ़िया चढ़न लगी सीता जी ने बरमामा। दे दो रे राम भरतार, देवर लक्ष्मण जी से। दे दो रे राम भरतार, देवर लक्ष्मण जी से। काली मिट्टी के बना लो भोलेनाथ, काली मिट्टी के बना लो भोलेनाथ, चढ़ा दो जल लोटा से। और सौरपे का आशीर्वाद हमारी माता जी की ओर से भोलेनाथ के दरबार में मिला है। सौरपे का आशीर्वाद भैया की ओर से भगवान भोलेनाथ के भजन पर आशीर्वाद के रूप में मिला है। धन्यवाद।
तीजी सीढ़ियां चढ़न लगी सीता जी ने पर मांगा दे दो रे अयोध्या को राज दे दो रे अयोध्या को राज सरजू मैया नावे खां चढ़ा दो जली लोटा से बोली शंकर भगवान की पार्वती मैया की।